पब्लिक टीवी आपकी आवाज। इनरव्हील क्लब मुरादाबाद सिविल लाइन्स की अध्यक्ष बनी सुनीता गुप्ता द्वारा नए साल की शुरुआत एक अनोखे तरीके से की गई। नए साल की शुरुआत के अवसर पर क्लब के द्वारा दीनदयाल नगर स्थित श्री राम मंदिर में योग कैंप आयोजित किया गया, जिसमें सभी सदस्यों ने योग करके अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास किया। तो वहीं वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित सभी सदस्यों ने वृक्षारोपण किया और सभी को एक एक वृक्ष लगाने के लिए संकल्पित किया। इस दौरान कहा गया कि जिस तरह से दूसरी लहर कोविड की आई थी, उसमें ऑक्सीजन की जरूरत सभी को पड़ी थी। ऑक्सीजन की किल्लत ना हो, इसीलिए सभी को पेड़ पौधे लगाकर ऑक्सीजन की मात्रा को सुदृढ़ करना होगा। इस दौरान सभी सदस्यों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। क्योंकि आज डॉक्टर्स डे भी मनाया जा रहा है, इसी कड़ी में इनरव्हील क्लब मुरादाबाद सिविल लाइन्स की ओर से डॉक्टर्स डे भी मनाया गया, जिसमें मधुबनी से डॉक्टर सौरभ अग्रवाल और सीएमओ मुरादाबाद को सम्मानित किया गया। वहां पर कोरोना योद्धा के रूप में डॉक्टर्स और उनकी टीम को सम्मानित किया गया। सदस्यों द्वारा डॉक्टर्स के साथ वार्ता की गई, जिसमें आगे आने वाले समय में कोरोना वायरस से कैसे बचाव किया जाए, इस विषय पर डॉक्टर्स द्वारा कुछ टिप्स भी दिए गए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अध्यक्ष सुनीता गुप्ता, सचिव मनीता रस्तोगी, साथ ही रीना गोयल, नीलम गर्ग, पूनम रस्तोगी, इंदिरा गुप्ता, मनिका रस्तोगी, ज्योति अग्रवाल, कृष्णा राज, शिवानी पाठक के साथ और भी सदस्य उपस्थित रही। आज मैं इनरव्हील सिविल लाइन से, मुरादाबाद सिविल लाइन से प्रेसिडेंट का मुझे मतलब पद मिला है, तो मैं चाहती हूँ कि इस अपनी पोस्ट को मैं बहुत अच्छी तरीके से करूँ और अच्छी तरीके से सारे मेरे प्रोजेक्ट हों। आज मैंने सुबह पहले 12 बजे सीएमओ ऑफिस जाकर सीएमओ जी को सम्मानित किया, डॉक्टर साहब को और उनकी टीम को सम्मानित किया। और इस समय हमने योगा क्लासेस शुरू की है, करा है योगा में, मतलब योगा कराया है, और इसके बाद में फिर हम डॉक्टर सौरभ अग्रवाल को सम्मानित करने जा रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि हमारा क्लब बहुत अच्छे से ऊँचाइयों पर उठे, तरक्की करे, और इसी तरह से सभी बहनें, मेरी सारी सेव दोस्त मेरा सहयोग करती है। अच्छा, और इतना उत्साह देख के मुझे भी बहुत खुशी होती है कि आप लोगों का डॉक्टर्स के प्रति अभी भी विश्वास ऐसे बरकरार है, और हमारी कम्युनिटी के लिए बड़े गर्व की बात है। और इस डॉक्टर्स डे पे मैं उन डॉक्टर्स को जिन्होंने अपनी जान गंवाई इस कोरोना की महामारी में मरीजों की सेवा करने में, मैं सबसे श्रेय उन्हीं को दूंगा, उन सबको, उन शहीदों को, सैकड़ों शहीद हमारे डॉक्टर्स इस कोरोना महामारी के इलाज में नहीं रहे अब हमारे साथ, उनके परिवार के साथ मेरी बहुत संवेदना है। इसके अलावा कोई मैसेज कन्वे करना चाहेंगे जो हाँ, हमारी प्रति है, हमारी समाज के प्रति ड्यूटी है कि हम अपनी इस महामारी से सबको बचाएं और सबको हम जागरूक करें, और ये ड्यूटी हम बिल्कुल एंड तक निभाते रहेंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।